नमस्कार, आज मैं आदित्य पटेल आईआईटी बॉम्बे का एक छात्र आप लोगों को परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। आइए हम एक बार देख लेते हैं कि हमने भाग एक में इस विषय के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। भाग एक में हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात के नियम, परमाणु क्या होता है, तत्वों के प्रतीक और आयुपैक के प्रतीकों के बारे में सीख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के पाठ में हम निम्नलिखित चीजें पढ़ेंगे। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्वों एवं यौगिकों के अणु, आयन क्या होता है, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान मापने की ओर अग्रसर हुए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरित थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। कारण क्रमांक एक, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। कारण क्रमांक दो, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं, लेकिन अंततः कार्बन परमाणु के 1/12 भाग को एक इकाई के रूप में ही स्वीकार किया गया। प्रारंभ में परमाणु के द्रव्यमान को AMU द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन आजकल IUPAC के नियमों के अनुसार इसे U द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। परमाणु का अस्तित्व, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अणु क्या है? साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भिन्न भिन्न प्रकार के अणु बनाते हैं। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ज्यादातर तत्वों के अणु दो या दो से अधिक परमाणु के बने होते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि।
यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋण आयन तथा धन आवेशित कणों को धन आयन कहते हैं। उदाहरण, पोटेशियम क्लोराइड को लीजिए। इसमें धनात्मक पोटेशियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड में Na को पहले और क्लोरीन को बाद में लिखा जाता है। तीसरा, बहु परमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। सारांश, कार्बन परमाणु के 1/12 भाग को परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई की तरह स्वीकार किया गया। परमाणु अणु या आयन के रूप में रहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं जिनमें ऋण या धन आवेश होते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में बची बची विषय पढ़ाए जाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।